हेलो गाइस, तो आज मैं बहुत दिनों के बाद आप सभी से मेरे यूट्यूब चैनल ग्रुप कॉम के माध्यम से जुड़ गया हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, इतने दिनों से मैं आपके साथ नहीं था, कुछ परिस्थितियाँ थी, मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, एग्ज़ाम्स थे, तो इन बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाया। पर गाइस, अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सुपर कंटेंट। बहुत लोग चाहते हैं कि हमें शूटिंग दिखाई जाएगी, शूटिंग कैसे होती है, हम आउटपुट सब लोग देखते हैं पर शूटिंग कैसे होती है। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि शूटिंग कैसे होती है। मैं लेके चल रहा हूँ आपको रामलीला के सेट पर, जहाँ पर एक मंच पर रामलीला हो रही है, मैं आपको वहाँ पर लेके चल रहा हूँ और आप देखेंगे लाइव शूटिंग। तो तैयार हो जाइए, मिलते हैं शूट पे। एक छोटे से सीन के लिए कितने रिटेक लिए जाते हैं? ऐसा करो, वहां जाकर पूरा डायलॉग बोल दो, वहीं खड़े रहो। क्या आपके एक्सप्रेशन फिर, हाँ बस यहाँ खड़े हो जाओ और यहाँ से सारी बात इनको बता दो, और ये जो बोले वो भी सुन दो और एक्सप्रेशन दे दो। यार ये भी सटिया गया यार, वो वाली फीलिंग के साथ आप क्लोजअप बनाओगे। अच्छा, ये डायलॉग बोल रहा है क्या? ये भी नहीं बोलना, ये यहाँ नहीं बोलना, मैं बता रहा हूँ शुरू से बोल। बस ये रख, ठीक है। ब्रह्मा जी का क्लोजअप क्या है? वाही रहा है, हाँ ओके है। फिर वो जब बोले कि बड़े प्रसंग दिखाई दे, उस दौरान आप यहाँ तक आ जाओगे? आ गया। बस अब यहाँ खड़े होकर सारी बात कर दी आप, यही आगे लेनी, यहीं से जाना। आज तो बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है? पिताश्री प्रसन्न आने का चेहरा नहीं आ रहा, वहां बोलना है आपको, ये केवल एक वाइड एंगल में आएगा, पिताश्री को प्रणाम बस। अंदर से आओ, स्टार्ट। प्रणाम करो यार, दोबारा आओ। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कितने रिटेक लिए जा रहे हैं, बार बार नारद मुनि को भेजा जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि क्या आपका इमोशन होना चाहिए, क्या रिएक्शन होना चाहिए, किस टाइप का एक्ट होना चाहिए और कहां से आपकी एंट्री है, कहां आपकी ब्लॉकिंग है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, तभी आपका जो एक्ट है वो सुपर्ब होगा। तो गाइज आप देख लीजिए कि किस टाइप की शूटिंग है, देखिए डायरेक्टर बार बार बता रहे हैं कि शूटिंग किस टाइप की है। और अब अगर मैं आपको दिखाऊँ कि आउटपुट इसका कैसा आएगा, तो वीडियो के एंड में आप आउटपुट जरूर देखिए। तो गाइज ये शूटिंग चल रही है रामलीला की शूटिंग, देखिए नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, समाचार सुनाते हैं, ब्रह्मा जी उनको कुछ बातें बताते हैं और नारद जी का रिएक्शन ये भी सत्याग्रह लगता है। तो गाइज ये सब होता रहता है शूटिंग में। कट, वो आपने आज्ञा दी उसके बाद बाजार लगा दो, दोबारा ले लिया। ब्रह्मा जी हट जाओ,
और देखिए सिर्फ दो लोगों की एक्टिंग के लिए कितना बड़ा क्राउड, कितना बड़ा क्रू होता है। म्यूजिक मेंबर होते हैं, मतलब म्यूजिशियन होते हैं जो म्यूजिक बजाते हैं, ठीक है। एक जो डायरेक्टर के साथ मॉनिटर पे बैठता है वो देखता है कि कौन सा क्लोजअप शॉट लेना है, कौन सा वाइड एंगल से लेना है, कौन सा लॉन्ग शॉट होगा, कौन सा छोटा शॉट होगा, सब टाइप्स को देखते हैं, किस किस टाइप के शॉट होने चाहिए, कहाँ पे लाइट ज़्यादा आ रही है, कहाँ पे कम आ रही है, कौन सी लाइट किस रंग की आ रही है। तो गाइज ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए शूटिंग की जाती है, तभी व्यूवर्स को आउटपुट अच्छा मिलता है। तो गाइज आपको कैसा लगा मेरे को बताइए ज़रूर। पिताश्री के चरणों में नारद का प्रणाम। आयुष्मान बापू नारद, कहो पुत्र नारद, आज तो बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है पुत्र? पिताश्री तो सठिया गए हैं, इनको अपने पुत्र की खुशी में भी खुशी नहीं है। तो गाइस ये थी शूटिंग रामलीला की, आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको शूटिंग कैसी लगी, और अगर आप भी आना चाहते हैं किसी शूटिंग पर तो मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको बताऊंगा कि शूट कहाँ होगा, कैसे होगा और कब होगा, आप भी देख सकते हैं लाइव शूटिंग। धन्यवाद, जय हिंद।